जब गोरखपुर महोत्सव के बारे में जानकारी मिली तो दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी। कुछ लोगों का कहना था नहीं मनाया जाना चाहिए था, कुछ कह रहे थे मनाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन होना, कल मकर संक्रांति का आयोजन होना और 16 जनवरी से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें अंतिम प्रहार कोरोना वैक्सीन के साथ ही 16 जनवरी से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, आपने पिछला वर्ष का लगभग 3/4 भाग या अगर मैं कहूं कि 80% जो भाग था पूरे वर्ष का वह कोरोना से लड़ते हुए जूझते हुए बसते हुए व्यतीत किया। लेकिन वर्ष 2021 का पूर्वार्ध हम लोगों को एक शुभ समाचार लेकर के आया है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जिस लड़ाई को मार्च 2020 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था सफलतापूर्वक कोरोना प्रबंधन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए उनकी आजीविका को भी बचाने और नए नए अवसर प्रदान करने का कार्य तो किया ही गया, लेकिन साथ साथ कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन का की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। और मकर संक्रांति के तत्काल बाद एक कार्यक्रम होगा, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा कि अपने बारी का इंतजार करें। ये मान के चलिए कि हम लोगों ने पिछले 10 महीनों के दौरान जो संयम, जो अनुशासन और जिस मर्यादा का पालन किया है, ये अनुशासन और ये मर्यादा ही कोरोना पर हमारी विजय का सबसे बड़ा राज है। हम जितने भी सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जितनी रचनात्मक ऊर्जा हम लोक कल्याण के अभियान में लगा रहे हैं उसी का परिणाम है। और जब खुशखबरी आती है तो महोत्सव जैसा अवसर होता ही है, गोरखपुर महोत्सव उस खुशखबरी का ही एक पहली मंजिल है जिसको आयोजित करने का श्रेय गोरखपुर के प्रशासन को प्राप्त होता है। इन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के पता नहीं और लोगों को इंतजार रहा होगा ना होगा, लेकिन रवि किशन जी को प्रसन्नता जरूर हुई होगी इस महोत्सव के कार्यक्रम से। इसलिए महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ इस भीषण शीतलहरी में इतनी बड़ी संख्या में आप सब कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जीवन निराशा का नाम नहीं है, हताशा का नाम भी नहीं है और पलायन का नाम भी नहीं है। जीवन तो उत्साह का नाम है, उमंग का नाम है, लेकिन जीवन में अनुशासन और मर्यादा भी होनी चाहिए। इस महोत्सव ने एक बार फिर से इसे साबित किया है। अनेक कार्यक्रम हुए विगत वर्ष तक, 3-3 दिनों तक ये महोत्सव चलता था। मैंने कहा महोत्सव होने चाहिए लेकिन महोत्सव 2 दिन का ही हो, लेकिन 2 दिन का महोत्सव जरूर करिए।
क्योंकि ये हमारे लिए आगे के रास्ते खोल रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में एकदम लॉकडाउन था, बाद में मार्केट भी बंद रहे कई दिनों तक, फिर सप्ताह में एक दिन दो दिन खोलने की बात आई, फिर ये हुआ कि एक निश्चित समय को खोलना है, कभी दिन का कर्फ्यू, कभी रात्रि का कर्फ्यू, कभी एक मार्केट बंद, कभी दूसरी मार्केट बंद, और अंत में ये रहा कि नहीं अब तो सब कुछ खोलना ही खोल ही देना चाहिए, अब कोरोना से कायदे से लड़ी लेते हैं। और उसका परिणाम रहा कि हम लोगों का आंकलन एकदम सही था, हम लोग डरेंगे तो कोरोना पीछे पीछे आएगा, हम लोग अनुशासित ढंग से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इससे लड़ेंगे तो कोरोना परास्त होगा, और यही हुआ देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। बहुत बड़ा काम किया है हम लोगों ने, बड़े संयम का परिचय दिया, बड़े सब्र का परिचय दिया, और उस संयम और सब्र के कारण आज हम लोग सफलतापूर्वक इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर और पूर्वांचल विकास के एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनका सानिध्य से एक नई ऊंचाइयां दिया है। आज गोरखपुर में 1990 में बंद पड़ चुका खाद कारखाना इस 21 में फिर से धुआं उभरता हुआ दिखाई देगा। कभी 1977 में बीमारी आई थी और वो बीमारी यहां के मासूम बच्चों को निकल जाती थी, हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत एक छत के नीचे हो जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लेने के लिए गोरखपुर में एम्स भी दे दिया, और यह वर्ष जब 2021 में एम्स भी गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त होगा, फुल फ्लेज एम्स कार्य करता हुआ दिखाई देगा गोरखपुर में। गोरखपुर में बंद पड़ चुके चीनी मिले फिर से प्रारंभ हुई है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ यहां के लोगों को प्राप्त होना ही चाहिए। आप सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को देख रहे होंगे, पहले सिंगल लेन की सड़क घंटों जाम में रहना पड़ता था। आज के कार्यक्रम में कालीबाड़ी के बाबा को भी आना था, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि गीता प्रेस की तरफ की रोड पूरी तरह जाम है, वे वहीं पर जूझ रहे होंगे। लेकिन जब तक इन सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य करने की हिम्मत हम लोग नहीं जुटाएंगे, तब तक विकास वास्तव में हमारे पास आएगा नहीं, हमसे दूर भागेगा। और अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार देना है, नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना है तो हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाना ही पड़ेगा। सड़कें चौड़ी होती भी दिखाई दे रही, लोगों का आवागमन उतना ही सहज और सरल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर का एयरपोर्ट आज 9-9 फ्लाइट, कहीं से भी आप देश के अंदर कहीं भी जाना चाहेंगे गोरखपुर के एयरपोर्ट से वहां की सुविधा प्राप्त होगी। बहुत शीघ्र कुशीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट होनी प्रारंभ हो जाएगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में ही बन रहा है, यहां से मुश्किल से 1 घंटे की दूरी पे कुशीनगर आपको बेहतरीन सुविधा देगा। और गोरखपुर वासियों के पास तो रामगढ़ ताल है, हम सी प्लेन भी उतारेंगे यहां पे बहुत से। यानी सी प्लेन एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे वह सामान्य एयरपोर्ट पर एयर स्ट्रिप पर भी वो प्लेन उतर सकता है और पानी में भी उतर सकता है, तो ये सुविधा हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत शीघ्र वह भी व्यवस्था यहाँ के लिए करने जा रहे हैं, एक आधुनिक सुविधा। अगर आपको लगता है कि वैसे पहले नंदानगर में लोगों को बहुत देर तक, अगर किसी को दिल्ली जाना होता था और नंदानगर में रेलवे की कृपा होती थी, गेट बंद हो गया तो उनकी फ्लाइट छूट जाती थी, वो बेचारा सिर पीटते रह जाता था। आज हमने वहां अंडरपास दे दिया, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अंडरपास से आप निकल के सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे।
लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि एयरपोर्ट दूर है, दूर हो रहा है, यद्यपि दूरी दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को लगता है तो सर्किट हाउस के पास आएगा, यहीं से उसको सी प्लेन से हम लोग किसी भी अन्य जगह पहुंचाने की व्यवस्था करवा देंगे, देश के किसी भी कोने में हो जाएगा। इस प्रकार की सुविधा भी उन्हें यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विकास आज की आवश्यकता है, ये लोगों के जीवन में परिवर्तन करेगा, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा, लोगों की सोच को सकारात्मक करेगा, और ये सकारात्मक सोच ही जीवन में हम सबको आगे बढ़ने के लिए नित नई प्रेरणा प्रदान करता है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने अपनी सोच को सकारात्मक रखा, विकास पर रखा। आज से नहीं, मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं, जब भी मैंने किसी एक आह्वान के बाद सब गोरखपुर वासियों को जोड़ा, एक एक गोरखपुर का वासी हर प्रकार के उससे ऊपर उठ करके गोरखपुर के लिए सड़कों पर हमारे साथ जूझता हुआ दिखाई दिया। ये जज्बा गोरखपुर के विकास को, पूर्वांचल के विकास को हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। और आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कुछ नया करने के लिए करता हुआ दिखाई देता है। ये नयापन, इसकी प्रेरणा का केंद्र में तो गोरखपुर ही है। इस प्रेरणा के केंद्र में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका सानिध्य है। एक नई व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और परसों से जब 16 जनवरी से टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ होगा, तो देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की पिछली सदी के सबसे बड़ी महामारी से कैसे जूझा भारत और कैसे हमने बेहतर परिवर्तन करके देश के सामने, दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, यह अपने आप में एक विशाल हो सकती है, लेकिन हमें आगे भी बचाव और सावधानी बरतते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। 2021 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश की आजादी की लड़ाई को इसने एक नया मोड़ दिया था। चोरी चोरा महोत्सव के कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना है। पूरे प्रदेश के अंदर हर शहीद स्मारक पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे। हर एक स्तर पर हम लोग कुछ ना कुछ नयापन देने का प्रयास करेंगे, अपने शहीदों को, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चोरी चोरा से प्रारंभ करके प्रदेश के हर सैनिक स्मारक पर इन कार्यक्रमों के आयोजनों को हमें जोड़ना है। इसके लिए व्यापक कार्य योजना राज्य स्तर पर भी बन रही है, जनपद स्तर पर भी तैयार हो रही है, और हर एक स्तर पर इन कार्यक्रमों को बनाने के साथ ही आजादी की लड़ाई में जूझने वाले उन सभी महापुरुषों के का पुनः पुनः स्मरण हमारी आने वाली पीढ़ियां कर सके, उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाएगा, जिन्हें जानबूझ करके पाठ्यक्रमों से हटाने का अब तक प्रयास हुआ है। इस शरारतपूर्ण प्रयास को बेनकाब करते हुए हम अपने उन महापुरुषों को फिर से ससम्मान स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाएंगे। ये सभी कार्यक्रम हमारे 2021 में प्रारंभ होने जा रहे हैं। और गोरखपुर का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते, और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना आवश्यक है। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं हमको जू में रखना ही आवश्यक होगा, और वह भी एक नई तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। गोरखपुर का जू प्रदेश का सबसे खूबसूरत जू में से एक बनने जा रहा है। आप जाएंगे परिवार के साथ, मनोरंजन के लिए जाइए, रामगढ़ ताल के साथ ही पूरे दिन भर के लिए एक नई व्यवस्था हम लोगों ने
थाना भी दे दिया है सुरक्षा के लिए। रामगढ़ ताल के किनारे एक थाना भी होगा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे ऑडिटोरियम भी देंगे। हमारा प्रयास होगा इस बार हम लोगों को इतनी भीषण ठंडी में बाहर पंडाल लगा करके कार्यक्रम करना पड़ा। अगले वर्ष तक ऑडिटोरियम भी हम आपको एक अच्छा ऑडिटोरियम देने जा रहे हैं। हम लोग इसी सड़क पर यही पे बगल में ही है बहुत आधुनिक ऑडिटोरियम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ गोरखपुर के विकास, पूर्वांचल के विकास की रूपरेखा उस ऑडिटोरियम के माध्यम से वहां पे बने कॉन्फ्रेंस हॉल जो है उन सब के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हर एक स्तर पर विकास की इस प्रक्रिया को नए सिरे से रेखांकित करने का जो प्रयास हुआ है इसके साथ सकारात्मक रूप से हम सबका जुड़ाव होना चाहिए। ये महोत्सव उसी का हिस्सा है। गोरखपुर गौरव से आज बहुत महान बहुत कुछ हमारी विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने गोरखपुर का नाम अलग अलग फील्ड में देश के सामने, राज्य में, प्रदेश में और दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। व्यक्ति का प्रयास सकारात्मक होना चाहिए। ये सकारात्मक प्रयास इस बात को प्रदर्शित करेगा कि हां मैं भी इस विकास का, मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं। और ये सकारात्मक प्रयास ही निरंतर हमें एक नित नई प्रेरणा प्रदान करता है। और ये जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं इन महानुभावों का सम्मान उसी का ही हिस्सा है। देश अलग अलग फील्ड में बहुत काम थे, कुछ लोगों को इस बार सम्मान किया गया, कुछ लोगों को अगली बार सम्मान होगा। मैंने इस बारे में प्रशासन से कहा एक सूची तैयार करिए और गोरखपुर गौरव के नाम पे 5-7 ऐसे लोगों को हर वर्ष चिन्हित करिए अलग अलग फील्ड में। किसी ने कृषि के क्षेत्र में, किसी ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी ने रोजगार के क्षेत्र में, किसी ने यहाँ पे उद्यम स्थापित करने में, किसी ने कला के क्षेत्र में, किसी ने संस्कृति के क्षेत्र में, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन के जिस भी फील्ड में जिसमें देश के अंदर लोग मंगल की कामना जिसके माध्यम से जागृत हो सकते हो, लोग मंगल और लोक कल्याण का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो, ऐसे जिस भी फील्ड में जिसने काम किया है ऐसी महान विभूतियों को हम लोगों को हमें करना चाहिए अलग अलग फील्ड में। किसी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने वकालत के क्षेत्र में काम किया होगा, वह भी तो लोक कल्याण के ही माध्यम है। किसी ने जनसेवा के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने और भी अन्य अलग अलग फील्ड है। इन सभी फील्ड में आप चिन्हित करिए। आवश्यक नहीं कि सबको एक ही बार में हम लोग करते, लेकिन अलग अलग बार और फिर इनकी सूची बनाइए, इनके सुझाव मांगिए। जब आप उनको मंच पे लाते हैं तो उनका परिचय भी दीजिए, केवल नाम ही मत बताइए, ये भी बताइए किस फील्ड की विभूति है, क्या इन्होंने काम किया है, उनका परिचय भी वहां पर दिया जाना चाहिए जिससे जनता जनार्दन को जानकारी मिल सके। बहुत सारी नई आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा भी प्राप्त होकर के वे भी उसके रूप बनने का कार्य कर सके। यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बार प्रशासन ने अपने स्तर पर यहाँ पर कुछ सूची तैयार की। अन्य लोगों को एक क्रम का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी मना रहे हैं। 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाया गया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद से लेकर के उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम कभी नहीं मनाया गया। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो पहली बार एक आयोजन 2018 में आयोजित हो पाया और 2018 का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने उस अवसर पर पहला जो एक अभिनव योजना प्रारंभ की थी वह की थी एक जनपद एक उत्पाद की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय योजना है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। यूनियन बजट में उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट को भी उसका पार्ट बनाया, यूनियन बजट में भी उसके लिए व्यवस्था दी है। और आत्मनिर्भर भारत का आधार भी कोई बन रहा है तो वह एक जनपद एक उत्पाद की, यानी वोकल फॉर लोकल, ये इसी उसका आधार ही वही है। ये हमें किस रूप में आत्मनिर्भर बनना है
इसकी एक प्रदर्शन है और उसकी एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दीपावली के एक दिन पहले मैं लखनऊ में था, लखनऊ में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने एक प्रदर्शनी लगाई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें गोरखपुर का टेराकोटा भी था। और गोरखपुर के इस टेराकोटा के जो वहां पे हस्तशिल्पी गए हुए थे, तो मैंने इच्छा व्यक्त की मुझे वहां से अयोध्या जाना था, तो मैंने लखनऊ से मैंने कहा भी दो हस्तशिल्पी आए हुए इन लोगों के एक बार बुलाए मुख्यमंत्री आवास में, मैंने उनको आमंत्रित किया। तो औरंगाबाद का ही वो कलाकार हस्तशिल्पी था, तो मैंने उसको कहा, मैंने तो हिचकते हुए पूछा, मैंने कहा कोरोना काल है, पता नहीं बिक्री हुई कि नहीं हुई, मैं पूछूंगा बेचारे को, कहीं ऐसी ना हो कि नाराजगी हो जाए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या कुछ बिक्री भी हुई है प्रदर्शनी में आपकी? उसने कहा साहब इसी के लिए तो मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। उसने मुझे बताया, उसने कहा कि 3 दिन में मेरी 8 लाख रुपए की बिक्री भी है, यानी टेराकोटा का सामान 8 लाख का बिका है उसका प्रदर्शनी। आप सोचिए गोरखपुर के एक छोटे से गांव, जो लोग बुलहरिया बाजार में गए होंगे, बुलहरिया बाजार के पश्चिम की तरफ वो गांव पड़ता है, जो कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का मैं सांसद था, उस गांव में मैं जाता रहता, तो उधर से होते हुए निकलता था तो मैं देखता था। अब आप सोचिए कि एक गांव से निकला हुआ हस्तशिल्पी, और ऐसे दर्जनों हस्तशिल्पी हैं गोरखपुर में टेराकोटा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया। आपने देखा होगा इस बार दीपावली के अवसर पर, इस बार की दीपावली बहुत विशिष्ट थी, कोरोना था लेकिन तब भी लोगों ने खूब उत्सव और उमंग के साथ दीपावली मनाई थी। और ये अलग नयापन में क्यों आया था? क्योंकि कई दशकों के बाद दीपावली में दीपक भी और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा भी चीन से नहीं आया था, भारत के ही कारीगरों ने जो बनाया था उसने इस दीपावली के उत्सव को बहुत उमंग और उत्साह से भर दिया था। ये उमंग और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल के इस संकल्प के साथ हम सबको जोड़ता है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ यह दृश्य एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत कुछ है यहां पे, रेडीमेड गारमेंट्स का हब बनने की क्षमता है, प्रयास तो करें, एक एक को आगे आना पड़ेगा। हम लोग तो यहां पे 2008-09 में एक टेक्सटाइल पार्क को स्वीकृत करवा दिए थे, आगे योजना बन नहीं पाई। विकास के मार्ग में बाधक नहीं बल्कि हमें उसमें सहभागी बनना पड़ेगा, और सहभागी बनकर के उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। याद रखना, जब व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, मैं और मेरे से ऊपर उठ करके काबू करता है, तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण उसके स्वयं के लिए भी बहुत अनुकूल हो जाता है, और समाज और राष्ट्र तो पूरा उसका लाभ उठाता है। और सकारात्मक दृष्टिकोण विकास के प्रति हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चोरी चोरा की घटना का यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने का अवसर भी है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहूंगा कि यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? खादी उसका एक माध्यम बन सकता है, लोकल प्रोडक्ट उसका माध्यम बन सकता है। हमने इसीलिए जो थीम दी है पूरे कार्यक्रम के लिए भी, और स्वदेशी का दिया है, स्वच्छता का दिया है और स्वावलंबन का दिया है। ये पूर्वांचल के लिए तो और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये जो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है, गंदगी इसका मूल आधार मूल कारण है। स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन ने हर घर में शौचालय दिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, तो बीमारी 95% से अधिक मौत के आंकड़ों को रोकने में सफलता प्राप्त हो गई। एक सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम को आगे को बढ़ाइए, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी।
और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी को, स्वच्छता को और स्वावलंबन को, स्वावलंबन का आधार आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना के रूप एक जनपद एक लोकल प्रोडक्ट उसका आधार बनेगा। और इसी को टीम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को, अभिनंदन करता हूं गोरखपुर गौरव से सम्मानित होने वाले जितने भी हमारे यहाँ मेहमान जो विभूतियां हैं जिनको आज इस मंच पर सम्मानित किया गया है, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आयोजन में सहभागी बनने वाले जितने भी कलाकार थे, जितने भी कर्मी थे, संस्कृति कर्मी थे या अलग अलग विधा से जुड़े हुए जो महानुभाव थे, उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं। गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों जिनकी सकारात्मक भूमिका के कारण यहां का प्रशासन इस कोरोना कालखंड में और भीषण शीतलहर के बीच इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम को यहां पर आज संपन्नता की ओर अग्रसर कर रहा है, क्योंकि कार्यक्रम जल्दी संपन्न हो कल बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाने के लिए सभी लोग जाएंगे। और इसीलिए हम लोग भी इसकी तैयारी में मैं स्वयं भी आया हूं कि व्यवस्था देख सकूं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। आप सबको मैं फिर से मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल हम लोग मकर संक्रांति पर्व पर एक डाक टिकट भी जारी करने जा रहे हैं, 10 रुपए का डाक टिकट होगा। आप देखेंगे गोरखपुर की पहचान बनेगा डाक टिकट। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की एक डिजिटल डायरी को भी हम कल लोकार्पण करने जा रहे हैं। कागज अब नहीं है तो स्मार्टफोन हर एक के पास आ गया है। डिजिटल की हम बात करेंगे तो हर एक पक्ष डिजिटलीकरण की तरफ जाएगा और इसका बहुत लाभ होने जा रहा है। डिजिटल डायरी को भी कल हम लोग लॉन्च करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का। कब कब कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं, कब कौन पर्व पढ़ने जा रहे हैं, सारी सूचनाएं उसके साथ हम जोड़ करके आपको उपलब्ध करवाएंगे। कभी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का गोरखपुर महोत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आपको सभी को मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अपनी बारी का इंतजार जरूर करेंगे, वैक्सीन लगाने के लिए हड़बड़ी नहीं करेंगे, छीना झपटी भी नहीं करेंगे। जब जिसको जहां बुलाया जाए वे ही केंद्र में जाएंगे। अनावश्यक भीड़ नहीं, उतावलापन भी नहीं, ये मान के चलिए सबकी बारी आएगी, लेकिन उतावलापन नहीं दिखाना है। जब देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हो तो फिर कोई उतावलापन नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। जब हमारी बारी आएगी तभी हम वैक्सीन लगाएंगे और उस बारी के साथ जोड़ करके कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।